हेलो माय यूट्यूब व्यूअर्स, सीमा कलेक्शन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा अलग रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपको नया कलेक्शन नहीं दिखाने वाला, बल्कि जो नए नए कस्टमर हमसे जुड़ते हैं उनके कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ डाउट होते हैं, उस डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और दूसरी बात, जो भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उससे आप कैसे बच सकते हो, उसका सोल्यूशन भी मैं इस वीडियो में लास्ट में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कस्टमर का पहला सवाल ये रहता है कि हम आपको कॉल करें या व्हाट्सअप मैसेज करिए। तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कीजिए क्योंकि हमें जब भी टाइम मिलेगा हम आपको व्हाट्सअप पे रिप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा सवाल, हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, हमको फ़ोटो भेजो। तो आप हमें अपना व्हाट्सअप पे अपना नाम, अपने सिटी का नाम, सिटी का पिन कोड, स्टेट का नाम लिख कर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। हमारे पास जो भी अवेलेबल होगा उसका सारा कलेक्शन प्राइस डिटेल कट के साथ हम आपको व्हाट्सअप पे भेज देंगे, उसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो। आपका स्टोर कहाँ है और कहाँ से हो आप? तो मेरा स्टोर जूनागढ़ में है, मेरी ऑफिस जूनागढ़ में है, गुजरात में, जो जेतपुर से 25 किलोमीटर दूर है। और हमारा सारा काम, बाटिक बांधने का सारा काम जेतपुर में होता है, फैक्ट्री साइट पे, और ऑफिस हमारी जूनागढ़ में है। सूटों का प्राइस कितना रहता है? तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको पूरी डिटेल व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे कि सूट का क्या प्राइस होता है। अलग अलग प्राइस लिस्ट में सब सूट आते हैं, इसलिए सब सूटों का प्राइस अलग अलग रहता है। अगला क्वेश्चन ये रहता है, शिपिंग कितना होगा, कुरियर चार्ज कितना लगेगा? तो अगर आपका छोटा पार्सल रहेगा तो वो हम इंडिया पोस्ट से 35 रुपये पर केजी में ऑल ओवर इंडिया कुरियर कर देते हैं। अगर आपका बड़ा पार्सल रहेगा तो फिर कार्गो सर्विस में आएगा या फिर ट्रांसपोर्ट में आएगा। अगर आपके पास GST नंबर है तो वो ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, वरना वो कार्गो सर्विस में भी हम भेज देते हैं। अगर बड़ा पार्सल रहेगा तो 17 रुपये पर केजी या 15 रुपये पर केजी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये पर केजी में आपके वहाँ पहुँच जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये रहता है, ऑर्डर कैसे बुक करें और पेमेंट कैसे करना होगा? तो हमने जो आपको फ़ोटो भेजी है उसमें से आपको जो भी पसंद आता है सेट वाइज, वो आप सिलेक्ट करके हमें फ़ोटो भेजिए। अगर वो अवेलेबल होगा तो हम आपको कन्फर्मेशन देंगे, फिर आपको वो कन्फर्म करके ऑर्डर बुक करवाना रहेगा, और ऑर्डर बुक पेमेंट के साथ ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन ये रहता है कि मिनिमम ऑर्डर हम कितना कर सकते हैं? तो देखिए, हम सेट वाइज ही डील करते हैं, सिंगल पीस में हम डील नहीं करते। इसलिए आपको अगर 4 पीस का सेट है तो पूरा सेट लेना होगा, अगर 5 पीस का सेट है तो आपको 5 पीस का सेट पूरा लेना होगा, मिनिमम ऑर्डर एक सेट का रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन ये रहता है, आप हमारा पार्सल हमारे यहाँ कब और कैसे पहुँचाओगे? आपने ऑर्डर बुक किया, फिर आपने पेमेंट किया, उस पेमेंट के दिन, जिस दिन आपका पेमेंट होगा उसके दूसरे दिन या उस वो सेम डे ही आपका पार्सल यहाँ से निकल जाएगा। पॉसिबल होगा तो सेम डे ही निकलेगा, वरना फिर नेक्स्ट डे आपका पार्सल यहाँ से निकल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये रहता है, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन रहता है कि मैं ऑनलाइन रिसेलर हूँ, अगर आप हमें सिंगल पीस या हमें सिलेक्शन करके सिंगल पीस दे सकते हो? तो नहीं, हम सेट वाइज ही डील करते हैं, हम सिंगल पीस में डील नहीं करते। फिर सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि हम आप पर ट्रस्ट कैसे करें? अगर हमने आपको पेमेंट कर दिया फिर हमारा पार्सल आएगा, हमारा माल आएगा, उसकी क्या गारंटी है? तो हम GST वेरीफाई सप्लायर है और हमारा करंट अकाउंट भी है। आप अगर पहली बार हमसे डील कर रहे हो, पहली बार माल ले रहे हो, तो हमें हमारे करंट अकाउंट में NEFT भी कर सकते हो। दूसरी बात, आप गूगल पे जाके हमारा फर्म का नाम लिखिए, सीमा कलेक्शन, आपको पूरी डिटेल गूगल पर मिल जाएगी। और जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उससे आप कैसे बच सकते हो, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ भी बहुत बार ये हो जाता है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी सप्लायर का नंबर आ रहा है, कम दामों में आपको सूट की ऑफ़र कर रहा है, उसके व्हाट्सअप चेक कीजिए, उसके व्हाट्सअप पे जाइए और देखिए, अगर वो 2-4 दिन या 8 दिन पहले का नंबर चालू किया हुआ है तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है। दूसरी बात, आप उनसे उनका GST नंबर मंगाइए और GST पोर्टल पर जाके चेक कीजिए, अगर वो एक्टिव लिखा हुआ आता है तो समझ लीजिए वो जेन्युइन सप्लायर है, अगर डीएक्टिव लिखा आता है तो समझ लीजिए वो फ्रॉड है। और यहाँ पे हमारा GST नंबर लिखा है, आप हमारा GST नंबर भी चेक कर सकते हो। और इसके अलावा भी आपका अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट, कुछ भी फ़ायदा पहुँचा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए नए वीडियो देखने के लिए सीमा कलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।